नमस्कार, मैं हूं अजिता। मिशन फिट रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल फास्ट फूड लाइफस्टाइल में दिल को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपना और अपनी सेहत का ख्याल रख पाएं। और जो खाना हम खा रहे हैं या जिस तरह के लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा दिल। तनाव और बैड कोलेस्ट्रॉल दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए आज दिल की बात सुनते हैं। दिल को दुरुस्त कैसे बनाएं, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनोद शर्मा। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आप दिल की समस्या से परेशान हैं या इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिल से संबंधित एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव के चलते लोग अपनी डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और न ही नियमित व्यायाम करते हैं। यही वजह है कि कम उम्र वाले लोग भी दिल के मरीज बन रहे हैं। आधा समय तो हम ऑफिस में स्पेंड करते हैं, ऐसे में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जॉब के मुताबिक दिल की सेहत को कैसे दुरुस्त रखें। कैसे रखें दिल का ख्याल? ओमेगा 3 से भरपूर अखरोट। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल नियमित होना बहुत जरूरी है। नियमित अखरोट का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हृदय की धमनियों में सूजन कम होती है। वजन को नियंत्रित रखें। वजन के बढ़ने पर होने वाली समस्याएं जैसे मोटापा, मधुमेह के इलाज के लिए तो आपको समय मिल जाता है, लेकिन हृदय रोग ऐसा रोग है जो आपको कभी भी समय नहीं देता है। नमक का सेवन कम करें। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वालों को भी हृदय रोग होने का खतरा बहुत रहता है, इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक का सेवन कम कर दें। मधुमेह पर रखें नियंत्रण। अगर आपको डायबिटीज है तो भविष्य में दिल की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। शुगर लेवल जरूर जांच करवाते रहें। तनाव ना लें। तनाव सबसे ज्यादा दिल की बीमारियों का कारण बनता है। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें। नियमित व्यायाम। रेगुलर व्यायाम और खानपान पर ध्यान देकर हम यकीनन दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। सेहत के अनुरूप आहार लें। नमक का कम मात्रा में सेवन करें। कम वसा वाले आहार लें। ताजी सब्जियां और फल लें। समय पर नाश्ता और समय पर लंच करें। तंबाकू से दूर रहें। घंटों एक ही स्थिति में बैठना हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है। मधुमेह के रोगी नहीं करें कॉफी का सेवन। दिल के इशारों को समझे, रखे दिल का ख्याल। स्वस्थ सेहत यानी दुरुस्त दिल। तो दिल का मामला थोड़ा नाजुक ही होता है, बहुत जरूरी है दिल को संभाल कर रखना। और यही हम आपको आज बताने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में कि किस तरह से आप अपने दिल को संभाल कर रखें। डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वो कॉमन बीमारियां हैं, आम बीमारियां हैं दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित, जो देखने में मिलती हैं, और क्या ये जो मौसम है अब सर्दी का मौसम, वो इसमें इजाफा कर सकता है? यदि हम देखें इस मौसम में, खासकर जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है उनमें ब्लड प्रेशर के और बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। जहाँ तक के विभिन्न हार्ट डिजीज़ का ताल्लुकात है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें कि हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होने से नैरोइंग हो जाती है, वो एक कॉमन समस्या है। और उसका प्रेजेंटेशन या तो एंजाइना यानी कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट के रूप में, या हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं फुल फ्लेज हार्ट अटैक के रूप में हो सकता है। और ख़ासकर ठंड के दिनों में, इस मौसम में इस बीमारियों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो लोग जिनके हार्ट एनलार्ज होते हैं, जिनके लंग्स में कंजेशन की संभावना होती है, इस मौसम में उनमें कंजेशन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें इस मौसम में खासकर सतर्कता बरतना चाहिए, ताकि कंजेशन का को पहले से मालूम करें और उसका त्वरित इलाज करें। ठीक है, तो आपने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर की जिसको समस्या है, फिर जिसको लंग कंजेशन है, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और चाहे आप यंग एज के हैं या फिर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, हार्ट प्रॉब्लम्स हर एज में आजकल देखने को मिल ही जाती हैं, कौन से और फैक्टर्स हैं जो इन हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं? हार्ट प्रॉब्लम को यदि इसके साथ में और कोई डिजीज हो, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज के 60 से 70% मरीजों में डायबिटीज होता है। यदि डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड है,
साथ में यदि पेशेंट को लंग डिजीज है, यदि आपको लंग डिजीज है, ब्रोंकियल अस्थमा हो या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, खासकर यदि कोई स्मोकर है, तो ये इन सभी अवस्थाओं में हार्ट डिजीज की जो स्थिति है वो वर्स हो सकती है। अच्छा, सुभाष शर्मा जी इस वक्त दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुभाष जी, क्या समस्या है आपकी, क्या जानना चाह रहे हैं? तो मैडम, ये पूछ रहा हूँ, जैसे कई बार चेस्ट में दर्द होता है। हेलो, कहाँ दर्द होता है? चेस्ट में, कई बार सीने में, चेस्ट में कई बार हो जाता है दर्द, उसके बारे में पता करना चाह रहा था। पेट में दर्द होता है, लेकिन इसका हार्ट से कुछ लेना देना है क्या डॉक्टर? नहीं, चेस्ट में दर्द होता है जी। देखिए कि चेस्ट में जो पेन होता है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हर चेस्ट पेन जो है वो हार्ट डिजीज के कारण नहीं होता, और हर बार हार्ट डिजीज के कारण चेस्ट में पेन नहीं होगा। इसलिए आपको ये देखना है कि ये चेस्ट पेन किस प्रकार का है, क्या ये चलने पर, एक्सरसाइज करने पर आता है, बैठने पर ठीक हो जाता है, इसको पहले देखिए। दूसरा, इसका संबंध देखिए, खाने पीने के बाद क्या ये पेन बढ़ जाता है, इसके साथ में आपको और कोई तकलीफ होती है, जैसे कि सांस फूलता हो, धड़कन बढ़ जाती है, तब शायद ये हार्ट डिजीज का इंडिकेशन है। और उस स्थिति में बेहतर ये होगा कि आप किसी लोकल फिजिशियन को दिखाएं और एक बेसलाइन ईसीजी करवा लें, उससे ये मालूम हो जाएगा कि ये चेस्ट पेन जो है वो हार्ट डिजीज के कारण है या और अन्य कारणों से है। जैसे कि ठंड के मौसम में मांसपेशियों में स्पैज़म बहुत होता है और उसके कारण चेस्ट पेन होता है। अच्छा। जिसको हम कई बार कंफ्यूज करते हैं कि ये हार्ट का पेन है। बहुत सारे पेन, अक्सर कभी भी चेस्ट में पेन होता है तो पहला जो दिमाग जाता है, पहला जो ख्याल आता है वो यही आता है कि कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो इसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजी। डॉक्टर, इस पर हम बात करेंगे। सीमा जी हमें कॉल कर रही हैं पटना से, उनका सवाल ले लेते हैं। सीमा जी, क्या जानना चाह रही हैं? हेलो, पूछिए। मैं एक आई एम 67 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ जी, नॉट 67, 64 इयर्स ओल्ड, 66 इयर्स वेट। ठीक है। वेट केस भी TSH एट प्रेजेंट 1.88 है और कोलेस्ट्रॉल LDL 137 है सर। तो इसके लिए अभी डॉक्टर मुझे दवा दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर 156/94, तो मैं ब्लड प्रेशर का भी दवा खा रही हूँ और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी दवा ओलमी ले रही हूँ 20 मिलीग्राम। कोलेस्ट्रॉल क्या मेरा ये TSH होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा क्या सर? आपको पहले से थायराइड का प्रॉब्लम था क्या, हाइपोथायराइड? एक साल से आप थायरोक्सिन ले रही हैं? हेलो, हाँ, आप थायराइड की दवाई ले रही हैं? जी हाँ, ले रहे हैं एल्ट्रोक्सिन। हाँ, एल्ट्रोक्सिन जो ले रही हैं, अक्सर ये होता है कि जो थायराइड के मरीज होते हैं उनमें हाइपोथायराइड के साथ साथ उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जैसे जैसे हम हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं एल्ट्रोक्सिन से, उनके कोलेस्ट्रॉल कम होते जाते हैं। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका TSH तो नॉर्मल आ गया है, लेकिन फिर भी जो आपका LDL है वो 139 है, तो आपको ये जो 20 मिलीग्राम जो स्टेटिन दिया जा रहा है उसको आपको रेगुलर लेना चाहिए। लेकिन साथ में आपको ये बात याद रखना है कि दवाइयाँ एक सपोर्ट के लिए है, आपको ज्यादा ध्यान देना है अपने एक्सरसाइज पे और अपने खान पान पर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है खान पान का, बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं बीमारियों को और आगे ले जाने से। कैसे डाइट को हम सही रखें, इस पर हम बात करेंगे। अनय जी हमें कॉल कर रहे हैं पटना से, उनका पहले सवाल ले लेते हैं। पूछिए अनय। लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल की जब भी बात आती है तो डायरेक्ट इसका रिलेशन है खाने पीने से, तो खाना पीना हमारा कैसा होना चाहिए? और हार्ट डिजीज अमूमन ये माना जाता है कि ऑयल रिलेटेड, अगर आप ज्यादा ऑयल का सेवन करते हैं, आपने ज्यादा तेल खाना शुरू कर दिया है, तला भुना खाना शुरू कर दिया है, तो वो दिल संबंधी बीमारियों को पैदा करता है, उसको बढ़ाता है, क्या ये सही है? ये बात सही है। जैसे कि हम कोलेस्ट्रॉल के को देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दो तरीके से आता है। एक तो ज़्यादातर 60% वो आता है जो हम खाते हैं, और 40% हमारा लीवर पैदा करता है। तो जो 60% जो हम खाते हैं वो मेनली जो है वो फैट सोर्स से आता है। ठीक है। फैट सोर्स जो नॉन वेजिटेरियन आइटम में तो बहुत से फैट सोर्स हैं, लेकिन वेजिटेरियन आइटम में फैट सोर्स केवल तेल या घी है। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑयल कंजम्पशन है, तेल का कंजम्पशन है, वो एक डिफाइंड लिमिट, एक सीमित
मात्रा में हो, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए या किसी भी व्यक्ति को अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो ऑयल का कंजम्पशन है, तेल का उपयोग है प्रतिदिन, दो चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो चम्मच, छोटी चम्मच बड़ी चम्मच। अच्छा। मैंने रफली एक दिन में 10 ग्राम ऑयल होगा वो। ये किसी भी आयु वर्ग के लिए, किसी भी आयु वर्ग के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ जहाँ पर के तेल वाली बात है, तेल या घी की, जहाँ तक के तेल की बात है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं। बाजार में बहुत से तेल उपलब्ध हैं, लेकिन आपको उस तेल का उपयोग करना चाहिए जिसमें कि फैट के जो विभिन्न प्रकार हैं, फैट जो तेल में जो फैट होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में अगेन 2 टाइप के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। हमें उस तेल का चयन करना है जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम हो और पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा हो। अच्छा। इसको हम एक रेशियो पर लें, एक औसत अनुपात पे लें, तो उस तेल का चयन करना है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड 20% हो। अच्छा। मोनो पॉली अनसैचुरेटेड करीब 30% हो एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करीब 50%। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया इसको। हाँ। थोड़ा सा आसान भाषा में हम समझेंगे आसान भाषा में तेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अनिल जी जुड़ गए हमारे साथ, उनका पहले सवाल ले लेते हैं। अनिल जी पूछिए। हेलो। हाँ बताएं। मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ दिल्ली से। अच्छा मीनाक्षी जी बताइए। मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 260 के आसपास है। अच्छा। और उनको बीपी भी हाई रहता है 150-90। लेकिन उन दोनों के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, और कितना वक्त हो गया उनको? हो गया मैम 8-10 साल। 8-10 साल से बीपी बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल लेवल यही चल रहा है? हाँ जी। अच्छा। और वो क्या कोई आयुर्वेदिक का कोई ऐसा मतलब ये एक्चुअली वो मेडिसिन इसलिए नहीं लेना चाहते, उनका ना हैबिचुअल नहीं होना चाहते मेडिसिन के, तो वो चाहते हैं कोई आयुर्वेदिक कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो उसका साइड इफेक्ट भी कम हो। नहीं, डॉक्टर साहब से समझ लेते हैं क्या दवाई से कोई साइड इफेक्ट होता है डॉक्टर साहब, और क्या इनको दवाई लेना बहुत जरूरी है क्योंकि 8-10 साल से इग्नोर करते आ रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने बताया कि उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है और हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, मैं जानना चाहूंगा 2 बातें आपको और बतानी होगी, उनका वजन कैसा है और क्या वो स्मोकिंग करते हैं? अभी लाइन पे नहीं है मीनाक्षी डॉक्टर साहब। दूसरा ये है कि यदि उनको ब्लड प्रेशर हाई है और कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको 6-7 साल से पता है, मेरे ज्ञान नॉलेज में कोई ऐसा आयुर्वेदिक दवाई नहीं है जो बिल्कुल ये दोनों को ठीक कर दे, और इतने लंबे समय तक इसका यदि आप इलाज नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है वो अपने आप को एक रिस्क पर रख के चल रहे हैं। तो जो सडन हम कभी कभी हार्ट अटैक के केसेस सुनते हैं वो ऐसे ही मामले होते हैं, इसी टाइप के लोग हैं जिन्होंने अपने रिस्क फैक्टर बॉडी में जो रिस्क फैक्टर है जिससे हार्ट अटैक होने का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, उसको यदि वो कंट्रोल में नहीं रखते तो ये लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां तक कि दवाइयों की बात है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को कोई भी दवाई लेने से साइड इफेक्ट होगा, और दवाई जब हम लेंगे जब उसका इफेक्ट होगा तो थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट तो होगा। हमें साइड इफेक्ट से परेशान नहीं होना चाहिए, हमें तो एडवर्स इफेक्ट से परेशान होना। बिल्कुल। एडवर्स इफेक्ट मतलब कोई उससे कोई खतरे वाली इफेक्ट ना हो जाए। अब कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं, उससे थोड़े से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो बहुत ही ऐसे होते हैं जिसको बहुत सामान्य तरीके से आप झेल सकते हो। और क्या ये दवाइयों का सवाल ये भी था कि वो लाइफ लॉन्ग उस पर आश्रित नहीं होना चाहते, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, हैबिचुअल नहीं होना चाहते? जहां तक के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुकात है तो एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये दोनों ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों की दवाइयां लंबी अवधि तक लेनी होती है। अब कोई व्यक्ति जिसको हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल है और वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इस तरीके से करे कि बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज करे, खाने में बिल्कुल परहेज करे, फैट का चयन बिल्कुल
बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से करे, अपना वजन 10-12 किलो कम कर ले, तो शायद इन दवाइयों की जो मात्रा है वो कम हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इतना ही कंट्रोल कर लेंगे फिर तो लेवल्स भी ठीक ही आ जाएंगे, फिर तो रिपोर्ट्स खराब आएंगी नहीं। ये कहना कि कोई ऐसी दवाई है क्या जो बिना साइड इफेक्ट हो, मैं नहीं समझता इवन आयुर्वेदिक में कोई ऐसी दवाई होगी ठीक है जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को बिना किसी इफेक्ट के कंट्रोल। बेसिकली इनको दवाई लेनी चाहिए, अपने आपको रिस्क में नहीं डालना चाहिए। गाजियाबाद से रामा जी का कॉल है, रामा जी बताएं। हेलो, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी, लड़का है हमारा। हाँ जी, हेलो। हाँ। सुन रहे हैं आपको रामा जी। हाँ, तो उसकी थोड़ा दिल में जो है खराब रहती है मैडम, और वो जो है घबराहट बताता है ज्यादातर, और उसमें जो है डॉक्टर को काफी दिखाया, उसके बाद भी जो है थोड़ा वो ठीक नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं तो चैनल देख रहा हूँ, थोड़ा डॉक्टर साहब सलाह ले लेना चाहता हूँ। नहीं, उनके दिल में क्या है? दिल में घबराहट बताता है सर, घबराहट हो जाती है। कितना, क्या एज है आपके बेटे की? है जी, एज क्या है? एज उसकी जो है 17 साल की है। अच्छा, मतलब बहुत डॉक्टर को दिखा लिया मैं, थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा कभी कहीं दिखा, चेकअप का चेकअप में कुछ आता नहीं है। चेकअप में घबराहट की प्रॉब्लम है बच्चे को। देखिए, जो घबराहट जो आप कह रहे हैं, घबराहट हमेशा हृदय रोग से नहीं होता। इस उम्र के लोगों में घबराहट का एक बहुत बड़ा कारण है एंजाइटी न्यूरोसिस, माने कि जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक, जिसके कारण से होता है, मनोरोग से होता है। आप देखिए कि वो उसके उसको और किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, और यदि आपने बहुत से डॉक्टरों को दिखा लिया, मतलब यह है कि उसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, शायद उसे एंजाइटी न्यूरोसिस की बीमारी है, और जो बहुत ही सामान्य दवाइयों से ठीक हो सकता है। यदि आपने उसका एक इकोकार्डियोग्राफी करवा लिया है, और यदि वो नॉर्मल है और उसका हार्ट नॉर्मल है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये शायद उसको केवल एंजाइटी न्यूरोसिस है। ठीक है, और डॉक्टर साहब वापस आते हैं हम खान पान पर, हम ऑयल की बात कर रहे थे, आपने कहा कि सैचुरेटेड फैट जितना कम से कम लें, ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड की ज्यादा होनी चाहिए। आपने बताया कि पॉली सैचुरेटेड और मोनो सैचुरेटेड 30%, 50%, लेकिन आम आदमी ये सब नहीं समझता है, उसको तो तेल दिखता है, नाम दिखता है, ब्रांड दिखता है, जो सुनते आए हैं घर में जो यूज होता है। यूजुअली एक होता है कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स देते हैं, तो अच्छे ऑयल्स कौन से हैं जो खाने चाहिए, जिनका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हम सब कभी भी लेबल को नहीं पढ़ते, और कोई भी इतना साइंटिफिक डिटेल पे नहीं जा सकता, लेकिन इसका एक साधारण सा तरीका है। बाजार में बहुत से ऑयल उपलब्ध, जैसे कि हम कहते हैं सनफ्लावर, सोया ऑयल, फॉर्चून ब्रांड, कैनोला ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, राइस ब्रॉन ऑयल, बहुत से ऑयल अवेलेबल हैं। लेकिन यदि हम इन सभी ऑयल को देखें, तो ये ऑयल के हमें पर्टिकुलर ऑयल के ब्रांड पर नहीं जाना है, हमें उस ऑयल के दो चीज़ों पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो हम जब उसको चुनते हैं। एक तो हमें ये देखना है कि उनमें इन फैट्स का कंटेंट क्या है, जो कोई भी यदि आप पढ़ना चाहें तो हर ऑयल के उसमें लिखा होता है। और दूसरा हमें ये देखना है कि उसका स्मोकिंग पॉइंट क्या है, माने जैसे ही आपने ऑयल को कुकिंग के लिए डाला, गर्म किया, तो जितने जल्दी वो वेपर बनना शुरू होगा, मतलब उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट खराब होते जाएंगे। तो जो हाई स्मोकिंग पॉइंट वाले ऑयल हैं या मॉडरेट स्मोकिंग पॉइंट वाले ऑयल हैं, और जिनका फैट कंटेंट जो हेल्दी फैट की तरफ है, वो चुनना चाहिए। तो यदि हम जो आजकल उपलब्ध ऑयल हैं उनको हम देखें, जैसे कि सफोला है, सनफ्लावर है, सोया है, या मस्टर्ड ऑयल है, तो इन ऑयल्स में देखें, तो एक ऑयल है फॉर एग्जांपल सफोला, दूसरा जो है एक कैनोला ऑयल है, कैनोला ऑयल में देखें, सफोला ऑयल में देखें, सनफ्लावर में, तो इन तीनों ऑयल जो कॉमनली यूज हैं उनमें देखेंगे, तो इनमें सबसे जैसे कैनोला ऑयल है, कैनोला ऑयल में एक चीज़ है कि उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसको हमें कंज्यूम करना चाहिए, उसका प्रोपोर्शन 50% से ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब आपके दिल के लिए वो अच्छा है, वो आपके दिल के लिए अच्छा है। ठीक है, वैसे ही कई ज्योग्राफी के लोग अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो उन लोग सफोला, सनफ्लावर, कैनोला यूज करते हैं, जैसे हम वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो उन लोग सिसम ऑयल करते हैं, ईस्ट इंडिया मैंने कलकत्ता वगैरह में ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। लेकिन यदि हम सभी ऑयल को कंपेयर करें तो इनमें कुछ ही ऑयल हैं जो आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, उनमें नंबर वन है कैनोला, उसके बाद है सनफ्लावर, एंड देन थर्ड इज द नंबर टू इज द ऑलिव, एंड देन सनफ्लावर ऑयल। अच्छा, ये और मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है, लेकिन मैं कॉलर ले लेती हूँ पहले, आलोक कुमार जी वेट कर रहे हैं।
मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, क्या सवाल है आपका? मैं इसके हार्ट की जो दवा है ओल्मिसार एच ले रहा हूँ। अच्छा, इससे मुझे कफ बनता है। मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उनका कहना है कि इसकी वजह से बनना है। काफी मैंने चेकअप कराया, ठीक है, स्पूटम वगैरह भी सब, तो उनका ये कहना है कि आप दवा चेंज कर दीजिए। तो मैं कौन सी दवा दूसरी ठीक करें? देखिए, जो जिस दवाई के आपने नाम ली है ओल्मिसार्टान, उससे 10-15% लोगों में गले में खराश खांसी होती है। यदि आपको लगता है कि ये जो गले में खराश या खांसी है बहुत असहनीय है तो इसको आप बंद कर सकते हैं। और बहुत सी दवाइयां हैं जैसे कि एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम की आती है, या तो आप उसको ले सकते हैं या आप अपने लोकल फिजिशियन की सलाह से जिसमें भी वो चेंज करना चाहें। जो ओल्मिसार से ये मालूम है कि बहुत से लोगों को खांसी होती है, और यदि बिल्कुल आपको आसानी हो रहा है तो आप इसे बंद करके दूसरी दवाइयों की ओर जा सकते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है खाने के लिए क्या डॉक्टर? मस्टर्ड ऑयल जनरली यस, हेल्दी ऑयल तो है, इसमें प्रोपोर्शन इन फैट्स का अच्छा है, लेकिन इसमें एक यूरिसिक एसिड होता है जिसके कारण हार्ट ब्लॉक होने की संभावना रहती है, माने पल्स स्लो हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए ये बहुत ही कॉमनली यूज ऑयल नहीं है। दूसरा, अच्छा, इसकी जो स्मोकिंग पॉइंट जैसे कि मैंने बताया उतना हाई नहीं है जितना कि कैनोला और सनफ्लावर का। अच्छा, तो बेसिकली ठीक है। तो हम मतलब, और ये भी कहा जाता है कि ऑयल को चेंज करते रहना चाहिए पीरियोडिकली। ऑयल को चेंज करते रहना चाहिए पीरियोडिकली, वो इसलिए कहा जाता है कि सभी एक पर्टिकुलर ऑयल में जैसे कि मैंने फैट कंटेंट का रेशियो बताया वो नहीं होता। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सबसे आप इसलिए लेते रहे। सब में आप रोज उन ऑयल के मिक्सचर नहीं बना सकते, इसलिए कहा जाता है कि अभी इस महीने आप इसको यूज करिए, इस महीने इसको यूज करिए। एक पर्टिकुलर ऑयल में एक पर्टिकुलर फैटी एसिड ज्यादा होता है, दूसरे में कम होता है, इसलिए ये एडवाइस दी जाए। आनंद कुमार जी यूपी से हैं, पूछिए आनंद जी। हेलो जी, सवाल पूछिए जी। मेरा सवाल ये, मम्मी को कभी कभी दर्द होता है। हाँ हेलो, हाँ हाँ बताएं, सुन रहे हैं आपको। अरे हमारे मम्मी कभी कभी घबराहट होती है और बेहोश हो जाती है। अच्छा, हाँ क्या उम्र है आपकी मम्मी की? मम्मी की उम्र है 45 साल। 45 साल है, घबराहट होती है, बेहोश हो जाती है, और भी कोई समस्या है? और मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था अभी चिकनगुनिया बुखार से, और सूजन नहीं पटा रही है। अच्छा, लेकिन क्या हार्ट प्रॉब्लम कोई हो सकती है जैसे कह रहे हैं घबराहट होती है? नहीं, घबराहट हो जाती है और घबराहट होती है और बेहोश हो जाती है, तो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनकी एक ईसीजी करना चाहिए, क्योंकि घबराहट होना और बेहोश हो जाना एक ऐसी बात है जो हार्ट की बीमारी में भी हो सकता है, मस्तिष्क की बीमारी में भी हो सकता है, मानसिक कारणों से भी हो सकता है। तो आप प्लीज किसी डॉक्टर को दिखाइए, उनका एक ईसीजी कराइए, उनको एग्जामिन कराइए, तब मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब राइट पैरामीटर्स क्या हैं हार्ट के, मतलब जब भी आप चेकअप कराने जाएं, या अगर टाइम टू टाइम वो लोग जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपना चेकअप कराते रहते हैं, तो हार्ट के लिहाज से राइट पैरामीटर्स क्या हैं? पहला तो है आपका बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट आइडियल बॉडी वेट के विद इन फ्रेम होना चाहिए, या 5-7% का वेरिएशन हो। दूसरा है कि आपके लाइफ स्टाइल में दो चीज़ें हैं। नंबर वन एक्सरसाइज, आपको अपने नियमित क्रियाओं में एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए। 40 से 45 मिनट हफ्ते में 3 से 4 दिन ब्रिस्क वॉक करते रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपको देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है 130/80 या उससे कम हो। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। LDL लेवल जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, और एसडीएल लेवल जो है वो प्रेफरेबली 40-45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। इसके साथ ही साथ हमें ब्लड शुगर पर ध्यान देना है, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 या उससे कम, और खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर 130-140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, यहाँ पर आने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और ये बताने के लिए कि कैसे हम अपने हृदय को, दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
और आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि कैनाप्योर मिशन फिट रहो में कल आप देख सकते हैं खास चर्चा ओबेसिटी पर, किस तरह से मोटापे से आप बचें और क्या क्या समस्याएं मोटापे के साथ आती हैं उनको कैसे दूर करें, ठीक 1:30 बजे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।